बजट है, लेकिन इतना बढ़िया बजट जो एक दिशा देता है, अगले बार जब रेगुलर बजट पेश करेंगे उस बीच का जो फासला है उसको पूरा करके साथ साथ पूरा 2047 तक विकसित भारत का नींव कैसे रखना है, इतना सुंदर से रखा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं, इतना शानदार अंतरिम बजट जो पेश किया है आज, और कोई सेक्टर छूटा नहीं है। आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के वेलफेयर, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, साइंटिस्ट वैज्ञानिकों के लिए, बॉर्डर एरिया के लिए, और जो जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, इतना बढ़िया फाइनेंशियल स्थिति देश का आज मोदी जी के नेतृत्व में पहुंचाया है कि हम दुनिया का सबसे कॉन्फिडेंट देश बन गए हैं आर्थिक व्यवस्था के मामले में भी। श्रेष्ठ हो रहा है, उसमें पूरा झलक दिख रहा है कि बजट में सोलर पैनल लगाने का काम किया जा रहा है और 3 करोड़ बहनों को, जीविका दीदियों को एक तरह से लखपति बनाने का काम लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है। भारत श्रेष्ठ होगा, समृद्ध होगा। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो अंतरिम बजट पेश किया है, विकसित भारत की संकल्पना विशद करने वाला इस प्रकार का ये बजट है। इस बजट में विशेष रूप से गरीबों, मध्यम वर्गियों के लिए कई योजनाएं उन्होंने रखी है, जिसमें 1 करोड़ सोलर रूफटॉप, जिसके माध्यम से 300 यूनिट तक की बिजली ये हमारे नागरिकों को मुफ्त मिलने वाली है। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, ऐसे लोगों को उनका घर खरीदने का या नया घर लेने का सपना पूरा हो, इसके लिए भी योजना लाई जा रही है। हमारी महिलाओं के लिए लखपति दीदी, ये जो एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है, 3 करोड़ लखपति दीदी हमारे देश में तैयार होने वाली है, और विशेष रूप से 9 करोड़ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस प्रकार से अधिकारिता दी जा रही है, वो भी मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे युवाओं के लिए जो एक इनोवेशन का 1 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री इस प्रकार का एक फंड तैयार किया है, इससे स्टार्टअप और इनोवेशन की इकोसिस्टम को बहुत मदद मिलेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार इसके कारण निर्माण होगा। हमारे किसानों के लिए अगर हम देखें तो नैनो डीएपी जैसी योजना, या फिर किसान संपदा योजना हो, या हमारे मछुआरों के लिए योजना हो, इन सारी योजनाओं से हमारे किसानों को, मछुआरों को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा। विशेष रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट 11 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो होने वाली है, एक बहुत ही अप्रत्याशित इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, निवेश है। और विशेष रूप से रेलवे के नए कॉरिडोर तैयार करना, एयरपोर्ट्स तैयार करना, पोर्ट्स तैयार करना, रोड्स तैयार करना, इस प्रकार की अलग अलग चीजों में ये जो निवेश होगा, इसके कारण हम विकसित भारत की ओर आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एक और चीज के लिए अर्थमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत आत्मविश्वास के साथ ये कहा है कि जब पूरा बजट पेश होगा तो विकसित भारत का रोड मैप उस बजट में रखा जाएगा। मैं अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण।